देवियों और स्वजनों, मैं आप सबको पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे इस सराहनीय प्रयास के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। आज जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या हम सबके सामने है। कुछ दिन पहले हीट वेव के विनाशकारी प्रभाव हमने देखे। कहीं अनेक लोगों की मृत्यु हो गई है और कहीं जंगलों में भयंकर आग फैल गई थी। इस चुनौती के हानिकारक प्रभाव देश और दुनिया में समाज, अर्थव्यवस्था, लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। इनसे विकास की गति पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही विभिन्न क्षेत्र में कई आपदाएं भी सामने आती है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि सामूहिक प्रयासों के द्वारा ऐसे मजबूत और स्थायी समाधान खोजे जाए जो जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने में सहायक हो। आज विश्व स्तर पर अनेक ऐसे नीतियाँ बनाई जा रही है और ऐसे कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं जो पर्यावरण के हित में है और स्थायी विकास को बढ़ावा दे रही है। इस दिशा में अनेक प्रयास हो रही है, लेकिन हमें हर स्तर पर हर क्षेत्र में अनेक कदम उठाने पड़ेंगे। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है पेड़ लगाना। पेड़ों के जरिए पृथ्वी सांस लेती है। पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करके वायु के गुणवत्ता में सुधार करते हैं, पानी और मिट्टी का संरक्षण करते हैं और वन्य जीवन को भी आश्रय देते हैं। मैं देशवासियों से आग्रह करती हूँ कि वे कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। अगर देश के करोड़ों लोग पेड़ लगाएंगे तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बहुत प्रभावी सिद्ध होगा। ये पृथ्वी के प्रति हर व्यक्ति, हर समुदाय की जिम्मेदारी है। आइए हम सब कम से कम एक एक पेड़ अवश्य लगाएं और उनकी देखभाल करने की भी जिम्मेदारी लें। आज हम जो भी पेड़ लगाएंगे वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं इस पहल के लिए पुनः आप सब की सराहना करती हूँ। ऐसे महत्वपूर्ण विषय के संबंधों में एकजुट होना और समाधान की ओर बढ़ना अत्यंत प्रशंसनीय है। मुझे आशा है कि ऐसे प्रयास हमारे देश के सभी लोग, विशेषकर बच्चों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। मैं स्वस्थ, हरित और उज्जवल भविष्य के लिए आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।